हेलो फ्रेंड्स, बरनाला फूड में आपका स्वागत है। आज हमने आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी कुछ अलग तरीके से बनाई है, जो कि लग भी नहीं रही और बच्चे भी खुश होके खाएंगे, क्योंकि कोई बच्चे शिमला मिर्च खाना पसंद नहीं करते। शिमला मिर्च में भी बहुत गुण होते हैं, इसलिए बच्चों को खिलाना बहुत ज़रूरी है। हमने कुछ अलग तरीके से बनाई है। इसके लिए हमने थोड़े आलू और 3 शिमला मिर्च ले ली हैं। 2 के करीब हमने आलू ले लिए हैं। आलू हमारे थोड़े छोटे हैं और इसको कद्दूकस कर लिया है। इसमें पानी बहुत होता है, कद्दूकस करना तो थोड़ा मुश्किल होता है पर हो जाता है। और फिर हमने आलू कद्दूकस कर लिए, छील के धोकर अच्छी तरह से। कद्दूकस करने के बाद इसको थोड़ा नमक डालकर एक साइड में रख देंगे। इसमें और भी पानी होगा जो रिलीज हो जाएगा। ये पानी छोड़ेगा, इतने हम और काम कर लेते हैं। इसका पानी है जो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और इसको निचोड़ के निकाल लेंगे। ये जो पानी बच गया है, इसमें हम आटा वगैरह गूंथ सकते हैं। इस रेसिपी पे तो इसका कोई काम नहीं है। सारा पानी हम इसका निकाल देंगे। बहुत ही अच्छी, बिल्कुल भी बच्चों को पता नहीं चलता ये क्या कौन सी सब्जी है, छुप जाती है। शिमला मिर्च है जो बीच में हमने निकाल ली है। और एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हमने तेल डाल लेंगे। तेल को गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा हींग। हींग चटकने लगेगा तो इसमें डालेंगे जीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाला है इसमें। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और इसमें डालेंगे प्याज। एक बड़ा प्याज हमने ऐसे पतला पतला बिल्कुल स्लाइस की तरह से काट लिया है। और एक हरी मिर्च भी कट कर ली है, वो भी इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। कोई टमाटर वगैरह की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सूखी सब्जी ही बन रही है। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है जो एक बड़ा चम्मच हम बेसन का डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। इसकी बेसन कच्चा नहीं रहना चाहिए। थोड़ा लगने लगा है, थोड़ा हम तेल और डाल सकते हैं। और इसमें स्वाद अनुसार नमक, मिर्च मसाला, हल्दी, थोड़ा हमने अमचूर पाउडर डाला है और थोड़ी कश्मीरी मिर्च डाली है। उसको डालकर अच्छी तरह से भून लिया है। और भूनने के बाद इसमें जो हमने शिमला मिर्च और आलू को कद्दूकस किया था, वो भी हमने इसमें मिक्स कर दिया है। ये बिल्कुल बारीक कद्दूकस हुए हैं, इसलिए जे ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे पकने में, जल्दी ही पक जाएंगे और टेस्टी भी बहुत बनेगी सब्जी। एक बार तो ज़रूर ही ट्राई करिएगा, बार बार आप बनाने की सोचेंगे इस तरह से। फुलका परांठा किसी भी साथ खाओ, बहुत अच्छी लगेगी। नान पूरी सभी के साथ अच्छी लगेगी। इस तरह से इसको थोड़ी देर हम ढककर पका देंगे। ज़्यादा कच्ची लगे तो आप 2 चम्मच इसमें पानी डालकर ढककर पका लें। और ये बनकर रेडी हो गई है। देखिए, पहले से काट पीट कर रख लो सामान, फिर तो ये 5 मिनट की रेसिपी है। बहुत अच्छी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। धन्यवाद।